दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पावर ऑफ कलर्स के बारे में डिस्कशन किया था और हमने देखा था कि कलर्स के द्वारा हम कैसे अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर सकते हैं। एक बार आपने अपने बिजनेस के लिए सही कलर डिसाइड कर लिया तो फिर इसके बाद पहला स्टेप आता है और वो स्टेप है लोगो डिज़ाइन। लोगो किसी भी कंपनी का एक फेस होता है, एक चेहरा होता है, जिससे कि कस्टमर आपके कंपनी को या आपके ब्रांड को जानता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लोगो डिज़ाइन करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जो भी लोगो आप डिज़ाइन करें वो आपके बिजनेस से रिलेट करे, और दूसरा आप अपने लोगो में हो सके तो अपने कंपनी का नाम ज़रूर डालें, ताकि जब भी कस्टमर आपका लोगो देखे तो उसमें आपकी कंपनी का नाम हो, जिससे कि उसको आपके कंपनी का नाम याद हो जाए। आप लोगो डिज़ाइन किसी भी प्रोफेशनल से करवा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप लोगो खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप या फिर कोरल ड्रॉ या फिर कोई भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आता है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है और आप पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए भी एक सॉल्यूशन अवेलेबल है जो कि आपको एक अच्छा लोगो प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए आप गूगल पे जाएं और टाइप करें फ्री लोगो मेकर। आप देखेंगे आपके पास कई सारे रिजल्ट होंगे, जिसमें कि आपको कई सारे वेबसाइट मिलेंगे जो कि आपको फ्री लोगो बनाने में हेल्प करेंगे। तो आप इनमें से कोई भी वेबसाइट जो आपको अच्छी लगे आप उस पर जा सकते हैं और अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये यूज़ करने में बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जिसका नाम है डिज़ाइनमैटिक। आपको यहाँ लोगो डिज़ाइन करने के लिए सिंपली अपने कंपनी का नाम लिखना होगा इस बॉक्स में जो यहाँ आ रहा है। इसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करूँगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे अपनी कंपनी का नाम फिलअप करना है और अपना इंडस्ट्री सेट करना है और क्लिक करना है शो माई डिज़ाइन पे। तो आप देखेंगे कई सारे लोगो डिज़ाइन आपके सामने आ जाएंगे जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट काफ़ी आसानी से आपको लोगो डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वेबसाइट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कई सारे पेज हैं। इनमें से हम पेजेस पे जा कर के लोगो स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा लोगो हमें अच्छा लग रहा है और उस लोगो को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट बहुत आसानी से आपको लोगो बना देते हैं और कुछ वेबसाइट आपको डिज़ाइनिंग टूल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है लोगो मेकर logomaker.com। तो आप देखेंगे ये वेबसाइट जो है आपको एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आप बिल्कुल स्क्रैच से अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वेबसाइट खोली हुई, मेरे पास अभी ब्लैंक पेज है और मैं यहाँ चाहूँ तो अपना लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं अपने लोगो के लिए एक ग्राफिक ढूँढूँगा। इसके लिए मेरे पास टॉप लेफ्ट हैंड में एक सर्च बॉक्स है और मैं यहाँ पर अपने लिए एक ग्राफिक ढूँढूँगा जो कि मेरे बिजनेस रिलेटेड करता है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँ कंप्यूटर, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे यहाँ पर ग्राफिक्स आ गए हैं। आप इनमें से कोई एक ग्राफिक सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये ग्राफिक सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ग्राफिक मेरे पास यहाँ पे इस डिज़ाइनिंग टूल पे आ गया है। अब मैं इसे छोटा या बड़ा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इसके बाद अगर मुझे इसमें कोई टेक्स्ट डालना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर जो टूल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकता हूँ। अब इस टेक्स्ट को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है, और इसको आप इसकी आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, जैसे आप शेप डाल सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप इसमें कलर डाल सकते हैं, आप पेंट बकेट का इस्तेमाल करके। इसके अलावा आप इसमें कलर इसके चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके राइट हैंड साइड में इस कलर टूल का इस्तेमाल करके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ।
तो इस तरह से आप स्क्रैच से भी अपना डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। आप कई सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जो ये आपको फ्री में ये टूल अवेलेबल कराती हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं इनिशियली। और ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप थोड़े पैसे खर्च करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अफोर्डेबल सॉल्यूशन है जिसका इस्तेमाल करके आप लोगो डिज़ाइन करवा सकते हैं। इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा आपको fiverr.com, यानी कि www.fiverr.com। fiverr.com एक वेबसाइट है, ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर अलग अलग स्किल्स के यूज़र रजिस्टर करते हैं और अपना स्किल्स ऑनलाइन सेल करते हैं। इस वेबसाइट से आप अपने कई सारे रचनात्मक काम करवा सकते हैं। इसके लिए आपको इसके होम पेज पे आके आप टॉप में जो सर्च बॉक्स है उसमें आप जो भी चीज़ जो भी सर्विस चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं, या फिर ये जो यहाँ पर पेज पे सर्च बॉक्स आ रहा है आप उस पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे लोगो बनवाना है तो मैं लोगो टाइप करूँगा और फिर जो ड्रॉप डाउन आ रहा है उसमें से लोगो इन लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा और फाइंड सर्विस पे क्लिक कर दूँगा। इससे मेरे सामने एक पेज आएगा जहाँ पर कई सारे प्रोफाइल्स हैं, ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं ये प्रोफाइल्स हैं अलग अलग यूज़र्स के जो लोगो डिज़ाइन करते हैं। ये दुनिया भर के लोग हैं जो कि अलग अलग देशों में बैठकर इस वेबसाइट के ज़रिए अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। और ये वेबसाइट बहुत ही अफोर्डेबल है, यहाँ पर आप $5 यानी कि 400 से भी कम रुपए में आप अपना लोगो बना सकते हैं। तो अगर आप थोड़े पैसे खर्च करना चाहते हैं और एक अच्छा लोगो चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे आकर के आप लोगो डिज़ाइन सर्च करें और जो प्रोफाइल्स आपके सामने आ रहे हैं उस प्रोफाइल्स को गो थ्रू करें। आप देखें कि इन प्रोफाइल्स में कौन अच्छा सर्विस दे रहा, किसकी रेटिंग अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग्स भी आपको मिल जाएंगे जब आप प्रोफाइल खोलेंगे। तो आप इन सब प्रोफाइल्स को एक बार गो थ्रू करें, स्कैन करें और ये सब अपना काम जो है वो शोकेस करते हैं। जैसे कि मैं एक प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा जो पहला प्रोफाइल है और उसे ओपन करूँगा तो आप देखेंगे इसने जो जो काम किए हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे शोकेस किया है। तो मैं इसके जो काम है उस पर क्लिक करके देख सकता हूँ किस तरह का लोगो इसने डिज़ाइन किया हुआ है, क्या ये अपने काम में कुशल है या नहीं। और इस बेसिस पे मैं उस प्रोफाइल को सिलेक्ट करूँगा और फिर इसके बाद आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी ज़रूर पढ़ें कि ये कितने टाइम में आपका काम कर देगा और किस तरह काम ये करता है, जो आप इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये सही लगता है तो फिर आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि फीवर उस यूज़र को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको पेमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक कि आप सेटिस्फाइड ना हो। यानी कि एक बार आपका काम हो जाए तो उस काम को आप देख सकते हैं, काम को देखने के बाद आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप ओके करेंगे तभी पेमेंट उसको जाएगी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उस यूज़र को दोबारा बोल सकते हैं कि उस पर दोबारा काम करे और उस चीज़ को सही करके दे। तो आप ये भी देखेंगे कि इस पे इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, कितने लोगों ने इनसे सर्विस ली है और उनका क्या रिव्यूज़ है, आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आप रिव्यूज़ पढ़ भी सकते हैं कि लोगों ने जिन्होंने इनसे सर्विस ली है उन्होंने क्या रिव्यूज़ यहाँ पर इनको दिए हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा सर्विस है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी स्किलफुल काम के लिए। और सबसे अच्छा यूज़ है कि अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो बहुत ही कम कीमत में यहाँ से लोगो बनवा सकते हैं। लोगो बनाने में एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगो बना रहे हैं और थोड़े पैसे खर्च कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक वेक्टर लोगो बनाएं। वेक्टर लोगो में थोड़ी कीमत ज़्यादा होगी लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आपको एक ऐसा लोगो मिलेगा जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल लोगो जो है अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसके पिक्सल्स फटते हैं, यानी कि आपका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा फेड करेगा। अब मैं आपको इस चीज़ को दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल पे टाइप करें वेक्टर इमेजेस, तो वेक्टर इमेजेस वो होते हैं जिनको आप अगर एक्सपैंड करें तो वो
कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं होंगे, यानी कि वो कभी भी फेड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल इमेजेस को अगर एक्सपैंड करते हैं तो वो थोड़ा ब्लर होना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा फटना शुरू हो जाता है। तो अगर आप वेक्टर लोगो बनाते हैं तो ये आपके लिए आगे चल करके फ़ायदेमंद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेक्टर इमेज है यहाँ पर, अगर उसमें मैं डाउनलोड करके उसे ओपन करूँ और अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, तो आप देखेंगे कि जितना एक्सपैंड करूँगा इससे कलर्स उतने ही खिलते जाते हैं और ये ब्लर नहीं होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल इमेज पर जाएंगे तो उसको एक्सपैंड करेंगे तो उसके कलर्स जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है नॉर्मल इमेज और वेक्टर इमेज में। तो आशा करता हूँ मैंने आपका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ दे दिया है कि आप लोगो कैसे बनाएं। और मैं आपसे रेकमेंड करूँगा अगर आप लोगो प्लेस करना चाहते हैं अपने फेसबुक पेज पे, तो आप हमेशा उसे प्रोफाइल पिक्चर पे प्लेस करें, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर ही ऐसी चीज़ होती है जो कि फेसबुक पे हर जगह आपको दिखाई देती है। यानी कि आप कमेंट भी करेंगे तो वहाँ पर भी आपका प्रोफाइल पिक्चर ही शो होगा। तो लोगो के लिए बेस्ट प्लेस है कि आप उसे प्रोफाइल पिक्चर पे ही यूज़ करें। और प्रोफाइल पिक्चर का एक साइज़ होता है और वो है 160x160 पिक्सल। तो अगर आप लोगो बना रहे हैं अपने प्रोफाइल पिक्चर के लिए, यानी फेसबुक पेज प्रोफाइल पिक्चर के लिए, तो कोशिश करें ये 160x160 पिक्सल का ही हो। अगर आप ये सर्च करते हैं गूगल पे तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको फेसबुक हेल्प सेंटर मिल जाएगा, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपका प्रोफाइल पिक्चर कितने साइज़ का होना चाहिए। दोस्तों ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं smarttechnobiz.com/tut। अगर आप ये पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे जा सकते हैं और इस लिंक को फॉलो करें www.youtube.com/c/smarttechnobiz। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए चैप्टर हेल्पफुल होगा, और मिलते हैं अगले चैप्टर में जहाँ पर हम ये देखें कि हमें अपने फेसबुक पेज को किसे मार्केट करना चाहिए, यानी कि अपने बिजनेस को किसे मार्केट करना चाहिए और किसे मार्केट नहीं करना चाहिए। तो हम देखेंगे कैसे हम अपना ऑडियंस बिल्ड करें फेसबुक पे।